Hello everyone, welcome again. Class 12th की previous years की series में क्योंकि board exams जो हैं वो कुछ time उसमें ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो time कम होने की वजह से जो chapters हैं थोड़ा सा उसके जो videos हैं उनको skip करके मैं कुछ chapters को जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. हमने integration के 5 years के chapters के question देख 5 years के boards के question देखे थे. इसके अलावा application of integrals के मैंने कुछ previous years के questions करवा दिए थे. आज मैं जो chapter करवा रहा हूँ वो है 3-dimensional geometry. बहुत important chapter माना जाता है board के point of view से. तो जैसे कि मेरा जो focus रहता है CBSE, Delhi board, Uttarakhand board के कुछ questions जो हैं almost हर एक टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में जो लास्ट ईयर जो पेपर बोर्ड का हुआ था उस लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस 3D से पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लेने जा रहे हैं. कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें जो लिखे हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये CBSE में लास्ट ईयर आया हुआ है. ये पहला जो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है उत्तराखंड बोर्ड का, ये भी उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है और यह है दिल्ली बोर्ड का. तो हर एक बोर्ड के मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. इन सारे क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन सॉल्यूशन उनका करवा रहा हूँ. आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इसी तरीके के क्वेश्चंस इस बार भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. आपको दो लाइन्स की इक्वेशन दी हुई है और इन दोनों लाइन्स के लिए कंडीशन दी है कि ये दोनों लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं. और परपेंडिकुलर अगर हैं तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. तो लाइंस क्या क्या हैं, फर्स्ट लाइन है x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, वाई माइनस टू अपॉन टू लेमडा, जेड माइनस थ्री अपॉन टू. ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन. सेकंड लाइन क्या है, x माइनस वन अपॉन थ्री लेमडा, वाई माइनस वन अपॉन टू, जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव. ये सेकंड इक्वेशन है. सिंस लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू, आपको पता है कि लाइन में जो सिमेट्रिकल फॉर्म है ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है. अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी है तो ये तीनों जो होते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ बोलते हैं हम इनको, और ये भी क्या है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं. और अगर दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्शन रेशियोज़ जो हैं, अगर पहले वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ ए वन बी वन सी वन है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ ए टू बी टू सी टू हैं. तो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है, वो होता है जीरो. इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे हम. दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, और डायरेक्शन रेशियोज अगर ये है तो ये फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू थ्री लेमडा प्लस टू लेमडा इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. तो माइनस नाइन लेमडा प्लस फोर लेमडा माइनस टेन इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो. तो ये कितना हो जाएगा, फाइव लेमडा, माइनस का फाइव लेमडा इक्वल टू टेन. तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. लाइंस परपेंडिकुलर दी हैं तो लाइंस परपेंडिकुलर अगर होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन का सम क्या होता है, जीरो. और उसमें सिंप्लीफाई करके हम उसकी लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी इजिली सॉल्व करके. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट क्या है, हैंस फाइंड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट. आपको दूसरे केस में ये बताना है कि क्या ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लेमडा की वैल्यू आई है उस लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन में सब्सिट्यूट करते हैं. और इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर लेमडा इक्वेशन में दिया हुआ है वहाँ वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे. तो लेमडा की वैल्यू माइनस टू यहाँ रखेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का फोर. सेकेंड पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ. इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2. इस लाइन में कोई भी पॉइंट अगर हमको निकालना है, एनी पॉइंट ऑन लाइन वन, वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालिए अब यहाँ से, क्या हो जाएगी, माइनस थ्री आर प्लस वन. एक्स की वैल्यू हो गई माइनस थ्री आर वन प्लस वन, वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस फोर आर वन प्लस टू, और जेड की वैल्यू क्या हो गई, टू आर वन प्लस थ्री. ऐसे ही एनी पॉइंट ऑन लाइन टू, वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालिए अब, 15 r2 प्लस वन,
2R2 प्लस 1 माइनस 5R2 प्लस 6। ये आप इसको समझते भी रहिए क्योंकि इस टाइप के और क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पे अगर आपको किसी भी लाइन में कोई पॉइंट अगर आपको निकालना हो तो R1 ले लीजिए आप या लैम्डा कुछ भी ले लीजिए, वहाँ से एक्स वाई जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। अब यहाँ से ये वैल्यूज आ गई हैं, इसको मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ, अब इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसको समझिए आप पहले, अगर कोई भी दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, अगर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस वाली लाइन में भी आएगा और इस वाली लाइन में भी आएगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों लाइन में क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को इक्वेट करते हैं और इक्वेट करके देखते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉइंट हमको मिलता है जिसमें ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएं। अगर पहले वाले लाइन और दूसरे वाले लाइन में कोई वैल्यू इक्वल आ गई तो उसका मतलब दोनों में एक पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और अगर एक पॉइंट कॉमन हो गया तो उसका मतलब दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। तो इनको इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट करके निकालते हैं वैल्यू माइनस, समझ रहे होंगे आप, इन दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम आ गए तो इसका मतलब इन दोनों लाइंस में एक पॉइंट कॉमन है, और अगर पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो वही हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, इसको माइनस 3R1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15R2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3R1 माइनस 15R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। या फिर हम कह सकते हैं कि R1 प्लस 5R2 इक्वल्स टू 0। ये पहली वैल्यू को इक्वेट करके आ गया, और दूसरी वैल्यू को इक्वेट करेंगे, दूसरी वैल्यू को इक्वेट करके देखिए आप क्या है, माइनस 4R2, कोई भी दो वैल्यूज इक्वेट करिए आप, कोई भी दो वैल्यूज, 4R1 और ये R2 प्लस 1, तो माइनस 4R1 माइनस 2R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो 4R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4R1, ये यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख लेते हैं, R1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 5R2 यहाँ रखेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 20R2 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, माइनस 19, यानी कि R2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/19, और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो R1 कितना आ जाएगा, माइनस यानी कि प्लस 5/19। R1 और R2 हमको निकाल लेना है, इन तीनों वैल्यूज़ में कोई भी दो वैल्यूज़ को इक्वेट करके R1 और R2 निकालना है, और जो वैल्यू हमने यहाँ इक्वेट करने में नहीं ली है उस वैल्यू को अब हम R1 और R2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर R1 हमने यहाँ रखा, R2 हमने यहाँ रखा, दोनों वैल्यूज़ अगर ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही है तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इनको वैल्यू को रखते हैं थर्ड वैल्यू में, 2R1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 × 5/19 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 57/19 67/19। इसमें रखते हैं माइनस 5R2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 5/19 प्लस 6 119/19। तो ये देखिए आप दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। आपको क्या करना है, कोई भी दो वैल्यूज़ को इक्वेट करके R1 और R2 निकालना है, और वैल्यू निकाल करके जिस वैल्यू का आपने यूज़ यहाँ नहीं किया उसमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अगर ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब देयरफोर द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया जो क्वेश्चन आपको CBSE में लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया, सेकेंड क्वेश्चन पे आइए अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ये दो प्लेन्स मैंने बनाए हुए हैं। एक प्लेन की इक्वेशन आपको क्या दी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, और इस प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। ये उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, CBSE के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये दोनों प्लेन्स दिए हुए हैं, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है इनका, यानी कि इसके बीच से एक प्लेन पास हो रहा है, एक प्लेन ऐसे बाहर को है, एक इधर है, इसके बीच से एक प्लेन पास हो रहा है, इस प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो अगर कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास होता है तो उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड इक्वेशन, इस कंसेप्ट को समझिए आप. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स. अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है हमको. पहला प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो. एक्स वाले टर्म एक साथ रखेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा x, 1 प्लस 3 लैम्डा y और 1 प्लस 4 लैम्डा z और माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1. अब क्या दिया हुआ है इसमें, जो x का कोफिशियंट है y का कोफिशियंट है और z का कोफिशियंट 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा. x y z के जो कोफिशियंट हैं ये तीन क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं. किसके, ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल रहा होगा परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसके, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं. डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ नॉर्मल किसके नॉर्मल टू प्लेन 1. इसको ध्यान से समझिएगा आप. एक्स वाई किसी भी प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़. तो ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं. अब ये जो प्लेन हमने निकाला है, ये जो रेड वाला प्लेन है, ये प्लेन क्या है, एक प्लेन और दिया हुआ है उस प्लेन के लिए किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर. इसको डायग्राम को हटा दे रहा हूँ. ये जो प्लेन है, सिंस प्लेन वन, ये जो प्लेन वन है परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन सा प्लेन, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो. अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसका, एक्स का जो कोफिशियंट है वो क्या है, वन, वाई का कोफिशियंट क्या है, माइनस वन और जेड का कोफिशियंट क्या है, वन. ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए किसके, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे. अब आप इसको ध्यान से समझिए, ये प्लेन सपोज मुझे निकालना है और ये प्लेन जो है इस पे परपेंडिकुलर है. अब डायग्राम, क्योंकि प्लेन डायग्राम है वो इतना क्लियरली यहाँ पर नहीं बन सकता. ये प्लेन वो प्लेन है जो इक्वेशन वन वाला प्लेन है और ये प्लेन कौन सा है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड. इसका नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे बाहर को आएगा लाइन और उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, वो ये हैं. इसका, इस वाले प्लेन का नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे आएगा और उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं. अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो परपेंडिकुलर होंगे वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर का काम करेंगे. यानी कि एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है तो वो दोनों लाइंस भी क्या होंगी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी. और 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा, जीरो. या फिर हम सीधा सीधा कहें कि अगर कोई भी प्लेन एक दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. और इसको सॉल्व करके आप लैम्डा निकाल लीजिए, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4 3 लैम्डा और 1 से 1 कैंसिल हो गया. इस 1 को राइट साइड में ले जाइए आप माइनस 1 तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 बाई 3. पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, इस लैम्डा की इक्वेशन को आप, सॉरी लैम्डा की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए. 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा का मतलब माइनस 2 अपॉन 3 एक्स 1, 3 लैम्डा का मतलब हो गया माइनस 1, 1 4 लैम्डा का मतलब हो गया माइनस 4 बाई 3 जेड और प्लस माइनस 1 5 लैम्डा यानी कि प्लस 5 बाई 3 इक्वल टू जीरो. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम लेकर के जो जो सिंप्लीफिकेशन करना है वो सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, आपको किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, उस प्लेन की जो प्लेन आपको इसमें निकालना था. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बोर्ड के लिए सिंप्लीफिकेशन आप इसका कर लीजिएगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं. डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, अगर आपको एक ये एक्स एक्सिस दी है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. इस एक्स वाई जेड एक्सिस में एक पॉइंट आपने पी लिया और इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद सपोज ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है. तो ये तीनों एंगल्स का कॉस हम अगर लेंगे, कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस. किस लाइन के? ओपी के. अब आपको किसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं? आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं एक्स एक्सिस के. तो एक्स एक्सिस जो लाइन होगी, उस एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्स एक्सिस का मैंने आपको बताया कि ओपी के डायरेक्शन क्या होंगे. जो एक्स वाई जेड से उसका एंगल बनेगा, वो उन एंगल्स का कॉस अगर हम ले लेंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे इसके. तो एक्स एक्सिस जो है मेक्स एंगल्स, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे तो कितना हो गया? 0 डिग्री. वाई एक्सिस से इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. और जेड एक्सिस से इसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस से इनका एंगल हो गया. अब ये जो एंगल है इनका क्या लेना है हमको? कॉस ले लेना है. कॉस 0, कॉस 90, कॉस 90. तो कॉस 0 कितना होता है? 1, 0, 0. तो यही 1, 0, 0 जो आ रहे हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे किसके? ऑफ किसके? एक्स एक्सिस के. तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकाल दिए इसके. तो आइए इसी तरीके से अब लास्ट क्वेश्चन जो है किसका? डेली बोर्ड का. उस क्वेश्चन पे आते हैं. आपको लाइंस क्या क्या दी हुई हैं? पहली लाइन है 1 - x / 3, 7y - 14/λ, z - 3/2. इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. इसका माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वन अपॉन, वो माइनस नीचे लिख लेते हैं. इसका 7 कॉमन ले लेते हैं और उसको नीचे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस 2/λ/7. सिमेट्रिकल फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है तो जो एक्स वाई जेड है उनका कोफिशियंट 1 बनाना होता है, और यहाँ पर तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है ही. दूसरी लाइन क्या है? 7 - 7x / 3λ, y - 5/1, 6 - z / 5. इसको भी सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 7 कॉमन लेना पड़ेगा तो हो जाएगा x - 1/-3λ/7. जो 7 हमने कॉमन लिया था उसको नीचे लिख दिया, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में ऑलरेडी है. इसका माइनस कॉमन लेना पड़ेगा z - 6/-5. ये दोनों लाइन्स क्या हैं? राइट एंगल्स पे हैं, यानी कि दोनों लाइंस क्या परपेंडिकुलर हैं. और दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में भी कि डायरेक्शन रेशियोज़ के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है? 0 होता है. देखो वैसा ही क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड में भी आया है और वैसा ही क्वेश्चन कहाँ है? उत्तराखंड बोर्ड में. तो क्वेश्चन वही अलग अलग बोर्ड्स में रिपीट होते हैं. ये पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं? ये हैं. और दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ ये हैं. तो इनके मल्टीप्लिकेशन का सम क्या हो जाएगा? 0 -3 - -3λ/7 +λ/7 - 1 +2 - -5 = 0 9λ/7 +λ/7 -10 = 0. तो ये कितना हो जाएगा? 10λ/7. 10 को राइट साइड में लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 7. और लेमडा ही हमको यहाँ पे निकालना भी था. तो ये जो लास्ट ईयर अलग अलग बोर्ड्स में 3D के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए. इन क्वेश्चंस को आप करें और इसी तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस बुक से आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन यही रिपीट होने हैं बार बार. और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में या इस न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम है, तो उसका भी सॉल्यूशन अगले वीडियोज़ में दे दिया जाएगा.